डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एम्पैथी, लव एंड काइंडनेस। ठीक है, आपने संपत्ति के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन एम्पैथी जो वर्ड है ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो एम्पैथी और संपत्ति जो है ये एक जैसे ही लफ्ज हैं, यानी इनका मतलब मिलता जुलता ही है। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी की तकलीफ को खुद समझते। ठीक है, कोई बंदा तकलीफ में है और हम इस तरह सोचते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हो क्या होगा। उस भावना से, अगर उस सोच से अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी के प्रति जो है हमदर्दी रखते हैं और हमेशा किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी। हमने सुना कि भाई फलाने बंदे को ये तकलीफ हो गई है और हम दो मिनट के लिए गए उसके पास, हमने बोला यार तुझे बड़ी तकलीफ है, मैं इस तरह करूंगा, उस तरह करूंगा, दैट इज एम्पैथी। भाई हम हमदर्दी जताने गए, ठीक है, लेकिन वही चीज जब हम अपने पूरे दिल पे ले लें, ठीक है, और समझें कि जो इसके साथ हो रहा है ऐसा अगले की तरफ खुद समझे हम, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, समझ आई? तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने अंदर एम्पैथी लानी, ठीक है, दूसरों के प्रति। हमने अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की तो सोचनी ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सोचता भी है कि भाई मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, तो उससे पहले सोचना है कि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो क्या होगा। ठीक है, या कोई दुख दर्द में है तो उसके दुख को अपना दुख समझ कर उसकी मदद करना, ठीक है, दैट इज व्हाट एम्पैथी। ठीक है, तो इसी तरह से लव एंड काइंडनेस को तो हर कोई जानता है, ठीक है, दूसरों के प्रति प्यार होना, दैट इज लव, ठीक है ना। तो काइंडनेस, मेहरबान हो बंदा, ठीक है ना, मेहरबान रहे आदमी, कठोर नहीं रहना है। भाई क्या है, नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमें अपने आप को जो है वो प्यार रखना है, ठीक है। जैसे आप बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं, जिन बच्चों को पढ़ना कम आता है, जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, किसी बच्चे को चलना नहीं आता, या कोई बेचारा बच्चा जो है, हमारे यहाँ तो बेचारे ऊपर वाले खिदिया से सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा लंगड़ा है, किसी को दिखाई नहीं देता है, या किसी को फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप अपनी प्रॉब्लम समझकर उसकी मदद करते हैं, दैट इज एम्पैथी। जैसे कोई ब्लाइंड है तो आप आंखें बंद करके सोचो कि वो किस तरह काम करता हो, ठीक है, तो उस भावना से अगर आप उसकी मदद करते हैं, दैट इज व्हाट एम्पैथी। ठीक है, तो हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो एक्टिविटी है उसमें हमारा ये टॉपिक था एम्पैथी, लव एंड काइंडनेस। ठीक है, तो मैं आपको आए दिन जो है हर एक टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, तो जो चीज मैं आपको बताता हूँ उस पर आपने क्या करना है, क्या करना है, ध्यान देना है और अमल करना है। ठीक है, अच्छे बच्चे बनना है, हमने पढ़े लिखे नहीं बनना है, हमने पढ़े लिखे भी बनना है, लेकिन सबसे बेहतर है कि हमने अच्छे इंसान बने, ठीक है, तभी हमारी जो एजुकेशन है वो फ्रूटफुल होगी, उसका कोई फायदा होगा। नहीं तो हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन काम कर रहे हैं हम जानवरों से भी बदतर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझते हैं, दैट इज एम्पैथी। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं मेरी बहन ही सबसे अच्छी है तो बाकी वाले ऐसे ही है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, अच्छे डिसिप्लिन, जो अच्छे जो संस्कार हैं वो अपने अंदर लाने हैं। ठीक है, थैंक यू।